अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीकेंड स्पेशल रेसिपी है सुफियाना बिरयानी। बिरयानी लवर्स के लिए एक और नायाब बिरयानी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो नए लोग चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेसिपीज़ की नई अपडेट फ्री में मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं सुफियाना बिरयानी को कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बासमती राइस ले लेना है, जिसे हम पानी में भिगाकर एटलीस्ट हाफ से वन आवर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया है, ठीक है, बोन वाला। तो सबसे पहले अब हम इसे पानी में भिगा देते हैं धोकर और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अखनी बना लेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं 1 किलो बिरयानी के लिए आपको 1 कप तेल की ज़रूरत है, ठीक है। चल हल्का सा तेल को गर्म होने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्पाइस बॉक्स है और इसमें से हम कुछ खड़े गरम मसाले अब इसमें डाल देंगे। तो दालचीनी मैं ले रही हूँ और काली मिर्चें, ग्रीन इलायची, 4-5 लौंगे और ये स्टार और ये जावित्री, ठीक है, डाल देते हैं, ठीक है। और एक बड़ी इलायची। और देखिए ये होने लगा है। अब हम इसमें 2 प्याज हमने पीस कर काट कर रखी है, 2 लार्ज अनियन वो डाल देते हैं। अभी हमने प्याज को है ना बिल्कुल भी लाल नहीं करना है, सिर्फ इसे हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। चलिए करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं प्याज हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस लिहाज से अब हमने यहाँ पर 1 किलो के लिए 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अच्छा खासा अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट आप डालिए, तो उससे क्या होगा चिकन की जितनी भी स्मेल रहेगी ना वो सारी की सारी चले जाएगी। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर हम इसमें चिकन ऐड करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं अब अदरक लहसुन भुना गया है, अब हम इसे चिकन के साथ भून लेते हैं, ठीक है। 1 किलो चिकन हमने डाल देना है और अच्छी तरीके से भून लेना है। तब देख सकते हैं ये चिकन को हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। आप देख सकते हैं ज़रा 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से हमारा जो चिकन है वो भुना गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, गैस की फ्लेम को स्लो करते हैं। 1 किलो बिरयानी के लिए हमने 1/4 किलो दही ले लेना है, ठीक है। तो दही खट्टा नहीं चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, सो मीडियम वाला आप दही लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में 10 से 20 हरी मिर्ची है, जिसको हमने कूट कर रख लिया था, वो हमने इसमें डाल देना है। 10 से 20 हरी मिर्चें, ठीक है। सो ये हमने इसमें डाल दी है, हो गया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, जो कि हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो ये 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से भून लेते हैं और उसी दही के पानी में जो हमारा चिकन है वो गल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अदहन का पानी चढ़ा दिया है, जिसके अंदर हमने तेल की बूंदें डाल दी है और हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं ज़ीरा, शाहज़ीरा और नमक हम इसमें अच्छा सा डालेंगे, क्योंकि हमारे 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल के हिसाब से नमक डालना है। कुछ काली मिर्चें आप इस पानी में डाल दीजिएगा और ग्रीन इलायची डाल दीजिएगा खुशबू के लिए और दालचीनी डालिएगा और एक स्टार याद से डाल दीजिए। और अब इसे हम जोश आने का इंतज़ार करते हैं और फिर हमारे चावल डाल। चलिए अब आप देख सकते हैं तो हमारा जो पानी है वो अच्छे से जोश खा चुका है, हमारे चावल भीग कर 1 घंटा हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम इसे पानी में डालकर हम इसे पूरे के पूरे 80-90% कुक होने देते हैं, उसके बाद हम इसे निथार लेंगे, ठीक है।
और बस फिर फाइनल हम असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। हमारी ये जो वाइट सुफियाना बिरयानी है बहुत ही यम और बहुत ही कम मसालों के साथ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए ज़रा मुझे वक्त दीजिए कि मैं सारा का सारा इसमें चावल ऐड कर दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो ये चावल है वो 80-90% परफेक्टली डन है, बस अब हम इन्हें निथार लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारी ग्रेवी है, हमने इसको भगोने में शिफ्ट कर लिया है और ये बरिस्ता है जो तली हुई प्याज है इसके ऊपर हमने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये हम आपको दिखा दें, यहाँ पर हरी मिर्चें, कोथमीर और पुदीना है, ये सारा का सारा हमने इसी तरीके से डाल देना है। अब आप देख सकते हैं सारी चीजें हमने इस पे डाल दी है, गैस की फ्लेम को लो करते हैं और जो हमारे राइस है उसकी एक लेयर बिछा देते हैं, ठीक है। बिरयानी है इसके लिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा फर्दर चीजें, ना हम इसमें कलर डालेंगे, सिर्फ इसमें हम केवड़ा वाटर ऐड करते हैं। तो ये लीजिए, ये इसमें केवड़ा वाटर हमने डाल देना है और थोड़ा सा हम इस पे पुदीना और कोथमीर ज़रूर डालेंगे और आप घी और तेल जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, दैट्स इट। सो ये हमारी वाइट सुफियाना बिरयानी तैयार है, बस इसे बंद कर स्लो पर दम करते हैं 5 मिनट फास्ट पर एंड बाकी के 8 मिनट स्लो पर, ठीक है। देख सकते हैं तो काफ़ी सारी भाप है, बिरयानी हमारी ये देखिए अब बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लें। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो सुफियाना बिरयानी है वो बन गई है। हम आपको दिखाते हैं जो हमारे बासमती राइस है, ये देखिए कितने अच्छे से खुले खुले भी हो गए हैं और अच्छी तरीके से बन गए हैं। तो बस अब करना क्या है, फटाफट से इसे डिश आउट करना है। आप देख सकते हैं ऊपर प्लेन वाइट राइस रहेगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वाइट बिरयानी है, सो ऊपर प्लेन वाइट राइस और मसाला सारा का सारा अंदर। आप देख सकते हैं कितना मसाला है इसके अंदर, है ना। तो ये लीजिए ये सुफियाना बिरयानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत यम है, बहुत इजी तरीके से हमने आपको बताया है। आपको YouTube पे बहुत सारे तरीके मिलेंगे लेकिन हमारा तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड सिंपल है। तो उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए।